अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। आज मैं आपको क्रोचेट फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की ऊन और एक अदद क्रेशिया लेना है। क्रेशिया जो आपको तकरीबन बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, जिस तरह की वूल होती है उसी के हिसाब से ही लेना पड़ता है। तो मैंने इस तरह का क्रेशिया लिया और ये जो है मैं चेन ले रही हूँ, तकरीबन 6 से 7। आप 5 से भी स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन इस फूल के लिए 5 भी हो जाता है, लेकिन मैं इस दफ़ा 7 लूँगी। तो 7 चेन लेने के बाद मैं इसको यूँ इस एंड में इसको मैंने टांका लेके यूँ बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ बग़ैर बल के मैंने एक लिया स्टिच, और उसके बाद जो है ये बल वाले 2 मैंने लेने, यानी जो ये अभी ये बना हुआ है ना छल्ला सा, इसमें मैंने 5 पत्तियों की जगह बनानी है। उसके लिए पहले बग़ैर बल का, फिर 2 बल वाले और फिर एक बग़ैर बल का स्टिच लेने के बाद ये एक बन गई पत्ती, और दूसरी पत्ती भी बनानी है इस तरह की। ये छोटी छोटी सी ये स्टार्ट है, तो छोटी छोटी पत्तियाँ चाहिए और तकरीबन 5 होनी चाहिए, 4 भी चल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 5 बनाऊँगी। जी, 5 पत्तियाँ बन गई, तो मैं 3-3 स्टिच लेके हर पत्ती के बैक साइड पे यूँ बंद करती जाऊँगी। 3-3 स्टिच लिए और हर पत्ती के बैक पे मैंने यूँ स्टिच के साथ लेती गई। ये 5 पत्तियाँ हैं, तो पीछे भी 5 पत्तियों की जगह बना लूँगी। उसके बाद इसमें मैंने एक बग़ैर बल के और 4 जो हैं वो बल वाले दाने डालने हैं। तो इस तरह इनकी जो पीछे बैक साइड पर जिनकी मैंने 5 पत्तियाँ बनाई थी, उनको भी इसी तरह मैंने बना लेना है। एक बग़ैर बल के और ये दूसरा जो है, ये देखिए यहाँ से मैंने ये बल वाला लिया है, तो बल वाले के पहला है ये, दूसरा बल वाला टांका, और ये तीसरा, और ये चौथा, और फिर मैंने बग़ैर बल के लेके पत्ती बना ली। फिर मैं नेक्स्ट पत्ती पे चली गई। इसी तरह मैंने जो ये 5 पत्तियाँ वो भी कंप्लीट कर लेनी है। 5ों पत्तियों में इसी तरह एक बग़ैर बल के, 4 बल वाले टांके और फिर एक बग़ैर बल के टांका डाल के एक पत्ती कंप्लीट कर लेनी। तो इसी तरह ये दूसरा जो सर्कल है, इसकी भी 5 पत्तियां बन जाएंगी। ये 5 पत्तियां बन गई। 5 पत्तियां बनने के बाद अब मैं 4-4 चेन लेके उसी तरह हर पत्ते के बैक साइड पे इसको बंद करती जाऊंगी बैक साइड से। ये मैंने 4-4 ले ली फिर से, पहले मैंने 3-3 ली थी और अब मैंने 4-4 चेन ली हैं, यानी 4 चेन लेने के बाद इस पत्ती के बैक साइड पे यूँ स्टिच ले लेना, यहाँ से बंद कर दिया मैंने यहाँ से। और जो लास्ट वाला था उसको भी मैंने लेके और ये बढ़ाया है एक, यानी कि ये 5 पत्तियाँ थी तो उसकी 6 बनाई हैं। 6 बनाने का ये तरीका, जो लास्ट वाली थी उसको भी मैंने 4 स्टिच करने के बाद जो दूसरा था ये लास्ट वाला पत्ता, इसके साथ मैंने जोड़ दिया, तो पीछे से वो हो गई 6 पत्तियाँ। अब 6 पत्तियों को भी मैंने इसी तरह बनाना है, पहले बग़ैर बल के और उसके बाद हर उसमें मैंने 6-6 बल वाले टांके डाल के और फिर एक बग़ैर बल के डालना। तो आप जब ये वीडियो देखें तो बेशक मेरे जो लिए हुए स्टिच हैं उनको काउंट करती हैं। ये देखें इस तरह पत्ती बन जाएगी, पहले बग़ैर बल के और फिर ये मैं 6 बल वाले दाने इसमें डाल दूँगी। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 डालने के बाद उसके बाद फिर से बग़ैर बल का एक डाल देना। तो इसी तरह पूरी पत्तियाँ मैंने बना लेनी है, 6 की 6 पत्तियाँ। इसी तरह स्टेप बाई स्टेप अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप मज़ीद पत्तियाँ भी बढ़ाएं, तो चेन बैक साइड पे लेके मैंने पहले 3 ली फिर 4 ली, तो अगर फिर इसका एक और आपने बनाना है तो वो उसके बाद आपने 5-5 चेन लेके बैक साइड पे बंद करके और इस तरह इनका जो सर्कल है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो जितने आपने बढ़ाना है आप बढ़ा लें, मेरे लिए यही काफ़ी है।
और इसके सेंटर में बेशक इस तरह का कोई नक्शा या पर्ल मोती लगा के तो आप किसी भी बेबी फ्रॉक या किसी गिफ्ट वगैरह के साथ या किसी भी शर्ट पे आप लगा सकती हैं।